हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रुप होता क्या है? देखिए, अगर जी अबिलियन हुआ, अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसके सारे एलिमेंट कम्यूट करते हैं, ऑल एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, राइट। लेकिन जनरली सारे जो ग्रुप होते हैं वो अबिलियन नहीं होते। अगर जी अबिलियन ना हुआ, इफ़ जी इज़ नॉन अबिलियन, फिर भी जी के पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जी का एक ऐसा एलिमेंट है जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, क्योंकि हमें पता है ये प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी की, ई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, राइट। तो सिर्फ आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। जी के अंदर कुछ ऐसे और भी एलिमेंट होते हैं जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, और हम इन सारे एलिमेंट का एक सेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। यानी कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, इसको डिनोट करते हैं जेड जी से। ओके, तो जेड जी के अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं किसके, जी के, जेड बिलोंग्स टू जी, सच दैट कि ये जो जेड है ये जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, यानी कि जेड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, अब ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप है, जब हम इन सारे एलिमेंट को कलेक्ट करते हैं, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है जी में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यानी कि जेड जी बिकम्स अ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट यही है कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि किस तरह से सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो है जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। किसी भी ग्रुप को या फिर किसी भी सबसेट को जो जी का सबसेट है, उसको हमें सब ग्रुप या फिर नॉर्मल सब ग्रुप बताने के लिए तीन चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला ये कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। दूसरा ये कि वो सब ग्रुप होना चाहिए। अब फिर बात करते हैं हम नॉर्मेलिटी की, यानी कि वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये जो जेड जी है ये इन तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि जो ये जेड जी है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो पहली बात देखते हैं, क्या ये नॉन एम्प्टी है? बिल्कुल, हमने एक एग्जांपल दिया है आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एक जेड जी की ऐसी एलिमेंट है जो हर जी के एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है। आइडेंटिटी जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिटी है वो जेड जी में हमेशा जाएगी, राइट। इसका मतलब ये है कि जेड जी के अंदर एक एलिमेंट पक्का होगा, वो होगी आइडेंटिटी, दैट इज़ ये हमेशा एक नॉन एम्प्टी सेट रहता है। दूसरा ये कि क्या ये सब ग्रुप है? तो सब ग्रुप को दिखाने के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास क्राइटेरिया था कि सपोज़ मुझे एच को सब ग्रुप दिखाना है, तो मैं क्या करती थी, ए और बी दो एलिमेंट लेती थी एच से। अगर मैं ये दिखा देती कि ए बी इनवर्स जो है वो भी एच का ही एलिमेंट है, तो हम क्या कहते थे कि ये जो H है ये सब ग्रुप है जी का, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A और B दो एलिमेंट लेंगे जेड जी से, और अगर मैंने ये दिखा दिया कि ए बी इनवर्स जो है वो भी जेड जी में बिलोंग करता है, ए बी इनवर्स जो है वो जेड जी में बिलोंग करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी इनवर्स है वो हर X के साथ कम्यूट करता है। ओके, जहाँ पे ये x किसका एलिमेंट है, g का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अगर मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये जेड जी है ये एक सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर a जो है जेड जी का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या कि ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अगर b भी जेड जी का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या कि बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, यानी कि ए और बी जो है हर एक्स के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बी इनवर्स बी जेड जी का एलिमेंट होगा? ओके, सवाल ये है कि क्या बी इनवर्स बी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा? तो देखते हैं। देखिए,
बी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी। मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड से बी इनवर्स से ऑपरेट करती हूँ। सो ये आएगा बी इनवर्स बी एक्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स एक्स बी। यानी कि ये क्या देगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को जब आप एक्स से ऑपरेट करोगे तो अगेन यू विल गेट एक्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स एक्स बी। अब एक और काम करते हैं, दोनों साइड जो है बी इनवर्स से ऑपरेट करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ से। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बी इनवर्स विच इज़ इक्वल्स टू बी इनवर्स एक्स बी, और यहाँ पे हमें किससे ऑपरेट करना है, बी इनवर्स से। तो देखिए फिर से ये बी बी इनवर्स क्या देगा हमको, आइडेंटिटी। तो एक्स बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो बी इनवर्स है वो भी हर एक्स के साथ कम्यूट करता है, क्योंकि एक्स कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट है जी का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी इनवर्स है ये भी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब बी इनवर्स भी कहाँ जाएगा, जेड जी में जाएगा। इसका आगे यूज़ हुआ इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। ओके, अब देखते हैं कि जो ए बी इनवर्स है ये कम्यूट करता है या नहीं करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ए बी इनवर्स एक्स लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या ए बी इनवर्स एक्स जो है वो एक्स ए बी इनवर्स के बराबर आता है या नहीं। ओके, अगर ए बी इनवर्स एक्स को मैं ऑपरेट करती हूँ, तो क्योंकि ए बी जी का एलिमेंट, बी बी जी का एलिमेंट, यानी कि बी इनवर्स भी जी का एलिमेंट और एक्स भी जी का एलिमेंट, तो मैं इनको एसोशिएट कर सकती हूँ, यानी कि इसको लिख सकती हूँ कुछ इस तरह से, बी इनवर्स एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, और अभी हमने क्या देखा कि बी इनवर्स जो है वो जेड जी का एलिमेंट है, और आप एक्स बी इनवर्स को क्या लिख सकते हो, बी इनवर्स एक्स, यानी कि मैं इसको उल्टा करके लिख सकती हूँ। सो ए एक्स बी इनवर्स। ओके, फिर से सारे एलिमेंट ग्रुप के हैं, फिर से एसोशिएट करेंगे, इसका मतलब ये है कि मैं ए एक्स को एक साथ लिख सकती हूँ। सो ए एक्स पे मैंने ब्रैकेट लगाया बी इनवर्स विच इज़ इक्वल्स टू, और ए एक्स को फिर से मैं पलट सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ए जो है वो जेड जी का एलिमेंट है, तो ए एक्स क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। सो ए एक्स कैन बी रिटर्न एज एक्स ए बी इनवर्स, और हम लेके क्या चले थे, ए बी इनवर्स एक्स, और मैंने क्या दिखा दिया, एक्स ए बी इनवर्स। इसका मतलब ये है कि जो ए बी इनवर्स है वो हर एक्स के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। दिस इम्प्लाइज कि जो ये ए बी इनवर्स है ये भी किस में गया, जेड जी में गया। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो ये जेड जी है ये क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो यानी कि हमने इसको सब ग्रुप दिखा दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये नॉर्मल नॉर्मेलिटी को फॉलो करता है या नहीं, यानी कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। सो लेट्स सी, तो नॉर्मेलिटी की कंडीशन क्या होती थी, हम अगर मुझे एच को नॉर्मल दिखाना है तो एच कोई सब ग्रुप है, तो हम क्या करते थे, जी का एलिमेंट लेते थे एच, और फिर इस जी के एलिमेंट का इनवर्स लेते थे। अगर एक्स एच एक्स इनवर्स भी इस एच से बिलोंग करता तो हम क्या कहते थे कि ये जो एच है ये केवल एक सब ग्रुप नहीं, एक नॉर्मल सब ग्रुप भी है जी का, ठीक है। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, जेड जी पर अप्लाई करेंगे। तो एक जेड जी से हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं ए, सो ए बिलोंग्स टू जेड जी, और एक्स लेती हूँ मैं जी से। तो मुझे ये देखना है कि क्या एक्स ए एक्स इनवर्स जेड जी में बिलोंग करता है या नहीं, ये हमें देखना है। ओके, अगर ये बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जेड जी जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो एक्स ए एक्स इनवर्स विच इज़ इक्वल्स टू, एसोशिएट करेंगे तो मैं क्या लिखती हूँ इसको, एक्स ए पे ब्रैकेट लगाती हूँ और एक्स इनवर्स। और देखिए हमने ए कहाँ से लिया है, ए जेड जी से लिया है, इसका मतलब आप एक्स ए को जो है ए एक्स लिख सकते हो, क्योंकि ए जो है हर एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। तो मैंने इसको लिखा ए एक्स एक्स इनवर्स, फिर से एसोशिएट करेंगे तो इनको मैं एक साथ ले लूँगी, और एक्स एक्स इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी, यानी कि ए डॉट ई विच इज़ इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो क्योंकि ए जो है वो जेड जी का एलिमेंट है, इसीलिए जो है
और एक्स ए एक्स इनवर्स किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, और अभी कहा मैंने कि ए जो है वो जेड जी का एलिमेंट है, राइट। और एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर आ गया ए के, ए बिलोंग्स टू जेड जी, दिस इम्प्लाइज कि जो एक्स ए एक्स इनवर्स है ये भी किस में बिलोंग करेगा, जेड जी में, और ये तो हमें दिखाना था। तो इसका मतलब ये है कि जेड जी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ओके, जो भी इसके जैसे सिमिलर है। कई बार कन्फ्यूजन सा हो जाता है नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप में, तो उसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।